Hey guys, what's up? So this is Ujjwal Kumar Sen and you are watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. So guys, देखो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं जिसके वजह से हमारे मार्क्स जो आना चाहिए वो आ नहीं पाता है, राइट? तो मैं बात करूँगा इम्पोर्टेंट बात, सबसे मतलब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में कुछ कॉमन बातें भी करूँगा, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, राइट? तो पहली बात उसमें आते हैं, सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं हम जब भी हम खास करके भी RRB JEE के एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसका थोड़ा सा एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे चार पार्ट हैं, राइट? मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस है, एप्टीट्यूड है, एंड लास्ट में क्या आपका आपका अवेयरनेस है, राइट? जनरल अवेयरनेस है। मैथमेटिक्स में सारे नंबर क्या लाएंगे, पहला। दूसरा, एप्टीट्यूड में भी सारे नंबर के कैलकुलेशन होगा। तो एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स मिला कितना हो गया आपका, 55 मार्क्स। अब बचता है जनरल साइंस, इसमें से 8 नंबर के आसपास का न्यूमेरिकल आएगा, 7 से 8, 10 नंबर तक मैक्सिमम। तो अबाउट 60% आपके क्या होंगे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 40% क्या होगा आपका, थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे। तो आपका क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से आप पहले थ्योरेटिकल सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, राइट? वो आपका जो क्वेश्चंस हैं 40 क्वेश्चंस, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपको पता होगा, क्योंकि वो देख के आंसर बताना होगा। एक दो क्वेश्चन कन्फ्यूज होंगे, वो लास्ट के लिए छोड़ देना, राइट? हर क्वेश्चन में को सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलेगा, एवरेज अगर निकालोगे तो, राइट? उसके बाद आना आप किस में, न्यूमेरिकल पोर्शन में, राइट? अब न्यूमेरिकल पोर्शन में आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने बताया था एक फॉर्मूला लास्ट वीडियो में कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक क्वेश्चन में जब दोबारा अटेम्प्ट करते हो, पहले अटेम्प्ट में 2 मिनट देना है, और दोबारा अटेम्प्ट में 2 मिनट मतलब 2 मिनट फिक्स नहीं करना है, 2 से 3 मिनट दे सकते हो आप। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में 5 मिनट्स, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में 20 मिनट दे रहे हो बैठे हो, नहीं, अगर नहीं हो रहा है उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। और ये सही तरीका है कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के, राइट? इससे टाइम मैनेजमेंट सही रहता है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक होता है टाइम मैनेजमेंट का। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताया मैंने, अभी बताने जा रहा हूँ, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो क्या है? पहला, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, मिस्टेक सारे करते हैं लेकिन बहुत कम को पता लगता है, जब भी हम जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, राइट, तब हम क्या करते हैं, लास्ट में जाके एट द एंड क्या करते हैं, हम प्री एज्यूम कर लेते हैं आंसर को, लास्ट में जाके कैलकुलेशन नहीं करते, बिगेस्ट मिस्टेक है। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं, और शायद आपने किया भी होगा, अगर आपने घर आके आप रिव्यू करे होंगे क्वेश्चंस के आंसर देखे होंगे, वो लास्ट में मेरा गलती हो गया। तो अगर आपका थ्योरी मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो भी MCQ वाला, तब तो दिक्कत है ना, आंसर सही नहीं है, मतलब आपने कितना अच्छा अप्रोच था आपका, कितने अच्छे आपने कैलकुलेशन करा, कितना अच्छा हैंडराइटिंग था, कोई नहीं देखने जाएगा, सब देखेंगे कि आपके आपने कौन सा आंसर मार्क किया है, बेस्ड ऑन दैट आपका परफॉर्मेंस डिसाइड होगा। तो आपको उसके ऊपर फोकस करना है, तो ये मिस्टेक रिपीट नहीं करना है, ये मिस्टेक था आपका। दो और बड़े मिस्टेक बताऊंगे, तो बड़ा मिस्टेक है पहला और दो और बड़े मिस्टेक, तो पहले मिस्टेक पे आते हैं, दो बड़े मिस्टेक में और तीन बड़े मिस्टेक बताया, तो ये पहला मिस्टेक और है, वो क्या है, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, पूरा क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते, या फिर आगे पीछे कौन है कौन देखते रहते हो, मत देखो, सिर्फ अपने आप को देखो, बिकॉज यू आर अलोन देयर। किसी से कॉपी भी मत करना, हो सकता है आपका जो क्वेश्चन का सीरीज है उनका अलग हो, तो कॉपी मत करना, मतलब आपके क्वेश्चन नंबर जो 1 है, हो सकता है उसे क्वेश्चन नंबर 90 हो जो आपके सामने बैठा हुआ है, हो सकता है, बहुत से एग्जाम में ऐसे होते हैं, और आपने देखा भी होगा जब कंप्यूटराइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं था, ABCD करके आते थे, अगर आप एग्जाम दिए हैं कंपटीशन तो आप इसमें गलती बिल्कुल मत करना, राइट? सो आप अपने बी योर ओन, बिकॉज किसी का और कॉपी भी कर रहे हो तो क्या पता वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, क्या पता, आपको क्या पता, राइट? तो आप अपने ऊपर भरोसा करो, बचाओ, राइट? नेक्स्ट, मैंने बोला क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर और एक गलती करने का चांस होता है, वो क्या है, जब भी आपके पास क्वेश्चन होता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन डेटा होते हैं, वो डेटा को ढंग से कॉपी नहीं करते हैं और फिर कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो डेटा को ढंग से कॉपी करो और कैलकुलेशन करो, ये सही तरीका है, ढंग से कॉपी करना फिर कैलकुलेशन करना। ये सारा कुछ होने के बाद और एक बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं आप कैलकुलेशन को रिव्यू नहीं करते हैं। देखो गाइस, मैं आपको बता दूंगा क्यों बता रहा हूँ,
ब्लॉगिंग में या फिर कहीं कोई किताब लिखता है, आप खुद क्वेश्चन आंसर लिखते होंगे, एक बार खुद रिव्यू करके देखना, अभी क्वेश्चन आंसर कोई लिखो जो आपको बेस्ट आता है, जब लिखोगे एक पेज ना तो उसमें देखना, प्रूफ रीड करते हैं उसको बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग, तो आप दोबारा पढ़ना उसको लिखने के बाद, आधे घंटे बाद पढ़ना, बिकॉज दूसरों का मिस्टेक पकड़ना बहुत आसान होता है, अपना खुद का मिस्टेक हम पकड़ नहीं पाते हैं, तो लास्ट तक पढ़ना आप। अब देखना फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, देखना कि पूरे आपका एक पेज में कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया होगा, आपको आता था लेकिन आपने मिस्टेक किया, ये ह्यूमन नेचर है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बाय लक चांस है और आप बहुत लकी हो, लेकिन कहीं ना कहीं करोगे, तो जब भी कैलकुलेशन करते हो थोड़ा सा कुछ सेकेंड्स ही लगेगा, रिव्यू कर लिया करो अपने कैलकुलेशन किया नहीं किया। तो ये सारा जो मिस्टेक्स मैं बता रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो कर, मतलब इनको आप नहीं रिपीट करोगे, राइट, ये 5-6-7 मिस्टेक जो है नहीं रिपीट करते हो, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली 5-7 नंबर बढ़ जाएंगे, राइट। मैंने देखा है, मैंने खुद मिस्टेक किया हुआ है, कुछ मिस्टेक्स तो मैंने खुद किया हुआ है, बिकॉज इतने सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन दिया हुआ है, और कुछ मिस्टेक्स मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर ऐसे ऐसे मिस्टेक हुआ, बाकी तो रिविजन करके आपको जाना है, बहुत अच्छे सो के जाना है, मीठा नहीं कि रात भर पढ़ो जाके वहाँ पर सो के अच्छे से जाना है, बिकॉज आप पढ़ चुके हो, एक दिन अच्छे से सोना है, जाना है, फ्रेश पूरा माइंड होना चाहिए। और आपको बता चुका हूँ, एग्जामिनेशन सेंटर पहले से ही लोकेट कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत सारे सेंटर का इधर उधर हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे सेंटर चेंज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है सेंटर चेंज, राइट, सो यू हैव टू अरेंज योर सेल्फ और वट एवर यू कैन डू। सो आई होप आपको पता लगा कि क्या मिस्टेक करना आप कर सकते हैं जो अपकमिंग एग्जामिनेशन RRB JEE का। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक जरूर करें अच्छा लगा तो, उसका सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, और डेफिनेटली दोस्तों के साथ शेयर करें जितना फैला सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बाय।